क्लास 12 आज हम लोग पूंजी का समायोजन से स्टार्ट करेंगे। पूंजी का समायोजन क्या होता है? जब कोई नया सहायदार प्रवेश करता है उस समय यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि पुराने सहायदार जो है वो अपने भी पूंजी खातों को समायोजित करें, या दूसरी स्थिति हो सकती है कि पुराने सहायदारों की पूंजी के अनुपात में नए सहायदार से पूंजी मंगाई जाए। दोनों ही स्थिति में आपको गणना करनी पड़ेगी। पहले हम पहली स्थिति में लेते हैं जब नए सहायदार के आधार पर पुराने सहायदारों की पूंजी की गणना की जाती है। इस पद्धति में आपको पहले नए सहायदार नई फर्म में सभी सहायदारों का नया अनुपात गणना करना होगा। उसके उपरांत जो नया सहायदार पूंजी लाया उस पूंजी के आधार पर आपको पुराने सहायदारों की पूंजी की गणना करनी होगी। वह गणना करने के बाद नई फर्म में यही पूंजी का अंतिम शेष रहेगा। यदि किसी सहायदार की पूंजी अधिक होगी तो पूंजी का अधिक के ले जाएगा, और यदि किसी सहायदार के पूंजी खाते में यदि कोई कमी होगी तो वो पूंजी लाकर कमी को पूरा करेगा। इस हिसाब से जब हम गणना करेंगे तब आपको पहले क्या करना है, नए अनुपात की गणना, उसके उपरांत पूंजी की गणना, दो स्टेप में गणना होगी। यदि आपको दूसरी पद्धति दी जाए जब नए सहायदार द्वारा यथेष्ट पूंजी पुराने सहायदारों की पूंजी के अनुपात में पूंजी के शेष के अनुरूप लाई जाएगी, तो सर्वप्रथम आपको पुनर्मूल्यांकन खाता सहायदारों के पूंजी खाते बनाकर समस्त जो समायोजन है उसके आधार पर समायोजित पूंजी पुराने सहायदारों की निकाली जाएगी। उस समायोजित पूंजी के आधार पर नए सहायदार की पूंजी की गणना की जाएगी। तो ये पद्धति में आपको जब सवाल हम करेंगे तब सिखाऊंगी यथेष्ट पूंजी लाना, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको नए सहायदार की पूंजी के आधार पर पुरानों की पूंजी का अंतिम शेष गणना करना यहाँ मैं आपको सिखा रही हूँ। देखिए आप लोग पेज नंबर 5.66 पर आपको दिया हुआ है सम नंबर 21। सम नंबर 21 में दिया है ए बी एक फर्म में 3:2 के अनुपात में सहायदार ये पुराने सहायदार हैं, उनकी पूंजी क्रमशः 10,000 और 5,000 आपको दी हुई है। वे सी को 1/2 भाग, मतलब आने वाला सहायदार नया सहायदार कितने भाग के लिए आ रहा है, 1/2 भाग के लिए सहायदार बनाते हैं। जो पूंजी के लिए कितने रुपए ला रहा है आपको दिया हुआ है 2,250 रुपये लाता है नया सहायदार। 1/2 भाग पाने के लिए कितनी पूंजी ला रहा है 23,250। यह निश्चय किया गया कि नए सहायदार द्वारा लाई गई पूंजी के आधार पर सभी सहायदारों की पूंजी रखनी है। मतलब हमारा आधार क्या रहेगा, 1/2 भाग के लिए कितनी पूंजी आई है 23,250। उस पूंजी के आधार पर हम सभी सहायदारों की पूंजी की गणना करेंगे। यहाँ मैंने आपको स्पष्ट कर दिया था कि आपको दो स्टेप में सवाल करना पड़ेगा। पहली स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, नए अनुपात की गणना, तब जाके दूसरे अनुपात का दूसरी स्टेप में क्या होगा, पूंजी की गणना। तो यहाँ आपको मैं बता रही हूँ वही पद्धति, हम कौन सी पद्धति सीख रहे हैं, नए सहायदार के आधार पर पुरानों की पूंजी गणना करना। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 हल करते हैं हम लोग पेज नंबर 5.66 पर। सबसे पहले हमें क्या करना है, नए अनुपात की गणना। यहाँ नए अनुपात गणना की कौन सी पद्धति लगेगी, तो हम अगर देखें तो यहाँ नए अनुपात गणना की चूंकि और कोई जानकारी नहीं दी गई है अतः ये माना जाएगा कि पुराने सहायदार पुराने अनुपात में ही रहना चाहते हैं। तो हम पहली विधि जो हमने सीखी थी संपूर्ण भाग बराबर पूरी फर्म का भाग कितना है एक। अब नया सहायदार कौन आया सी, सी का भाग जो आपको कैलकुलेट नहीं करना ऑलरेडी दिया है, सी कितने भाग के लिए आ रहा है 1/2। अब शेष भाग बराबर कुल भाग एक था, एक में से 1/2 हमें दे दिया सी को, तो बचा कितना, मैंने आपको डायरेक्ट निकालने का तरीका बताया था, अंश में को हर में से माइनस करें, 2 में से गया 1/2 में वापस हर। अब इस 1/2 भाग को ये किसके लिए बचा, ए और बी के लिए, क्योंकि सी का भाग तो ऑलरेडी अलग हो चुका है, उनमें बांट दें उनके पुराने अनुपात में, क्योंकि ए और बी अपने परस्पर पूर्वाक अनुपात में रहना चाहते हैं। तो नया अनुपात हम कैलकुलेट करें, ए का नया अनुपात बराबर बांटना कितने को है 1/2 को गुणे, आपको कौन सा दिया अनुपात पुराना 3/2, तो 3/2 कितना हो गया 5, इसलिए 3/5, 3 में 1 का गुणा किया 3, 5 में 2 का किया 10, बी का नया अनुपात। यहाँ भी इसी प्रकार से गणना कर लेंगे हम, 1/2 भाग का बी का पुराना अनुपात कितना है 2/5, गुणा कर लें 2 एकम 2, 5 दूनी 10। अब क्रम में सी को भी जमा लें, C
सी का हालांकि नया अनुपात दिया है, सी का नया अनुपात ये हमें दिया है, केवल इसे कन्वर्ट करना है हमें ताकि सबके हर समान हो जाए। कितना दिया है? 1/2। इसे 10 बनाने के लिए कितने का गुणा करें? 5/5 का, तो बराबर 5/10। अब नया अनुपात हमारा आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी। कितना है हमारा यहाँ से चलें 3, 2 और 5, 3 अनुपात 2 अनुपात और 5, 3 और 2 5 5 10, सबके हर समान है, 10 आया हमारा। अब आप देखें तो ए और बी का परस्पर अनुपात भी पूर्ववत है और नया शामिल भी हो गया। अब इस अनुपात के आधार पर और नए सहायता की पूंजी के आधार पर हम सभी सहायताओं की पूंजी की गणना करेंगे। सेकंड स्टेप लेंगे, नई फर्म में पूंजी की गणना आधार क्या रहेगा, ब्रैकेट में लिख लेंगे सी की पूंजी के आधार पर। ठीक, शुरू करते हैं। सी का भाग 1/2, तो वहीं से शुरू होगी। 1/2 भाग के लिए सी की पूंजी पर कितनी पूंजी लाया हो आप किताब में दी हुई सब में देखेंगे 23,250। ठीक, आधे भाग की पूंजी है 23,250, तो फर्म की कुल पूंजी निकालना है तो 1/2 का उलट गुणित कर दे क्योंकि फर्म का कुल भाग कितना है, तो 2/1 गुणा करने पर आप करेंगे तो 46,500 रुपए। अब इस 46,500 को सब में नए अनुपात में बांट दें तो आपकी सबकी नई पूंजी आएगी ए की नई पूंजी बराबर ए की पूंजी फर्म की कुल पूंजी 16,500 गुणित ए का भाग। हमने नया अनुपात जो निकाला क्या निकाला था अभी 3, 2 और 5, उसे उपयोग करेंगे 3/10। 0 से 0 गया, 46,500 का 3 में गुणा कर देंगे तो बराबर 0 का 0, 3 और 15 की 5 हासिल लगा 1, 3 6 18 और 1 9 हासिल लगा 1, 3 6 12 और 1 13, 13,250 किसकी पूंजी आ गई आपकी ए। अब बी की नई पूंजी गणना कर लें, बी की नई पूंजी गणना करने के लिए भी आधारभूत पूंजी 16,500 गुणित 2/10, 0 से 0 गया, 46,500 का गुणा कर दे 2 बार, 0 का 0, 5 2 10 की 0 हासिल लगा 1, 6 2 12 और 13 की 3 हासिल लगा 1, 4 2 8 और 1 9,300 बी की पूंजी आ गई। अब सी की ऑलरेडी आपके पास है, फिर भी क्रम में आप उसे भी गणना कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। सी की नई पूंजी बराबर 46,500 गुणित 5/10, 0 का 0 गुणा करके देखेंगे तो ये वापस आपकी आएगी 23,250। अब आप एक बार इनको टोटल करके देख लें कि आपने जो बांटा है वो सही है या नहीं है नए अनुपात के अकॉर्डिंग, तो ये टोटल आपका वापस कितना आएगा 46,500 जो फर्म की कुल पूंजी आपने निकाली थी। ये पूंजी गणना का तरीका है, ये पूंजी का शेष जो आया ये फर्म में आपका अंतिम शेष सहायताओं का रहेगा, उसके बाद हम रिवैल्यूएशन अकाउंट यदि वो संपत्ति और दायित्व में कोई परिवर्तन तो वो बनाएंगे, उसके उपरांत पार्टनर्स कैपिटल, तो फिर उसके बाद अंत में आएगा आपका बैलेंस शीट। ठीक है, आपको सवाल नंबर 22 इसी प्रकार का है, आप उसकी गणना करके देखें, 25 इसी प्रकार का है, 26 इसी प्रकार का है, ताकि आप लोगों को और अधिक प्रैक्टिस हो जाए।